Hey friends, welcome to the channel. हम लोगों ने अभी तक बात किया था oscillations and waves का एक introduction ले लिया. उसके बाद simple harmonic motion को describe कर लिया, उसके conditions describe कर लिए. ये कौन से type के motion को can we call simple harmonic motion? उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि equation of motion देख लिया simple harmonic motion का. अब equation of motion कुछ इस तरीके से आया था कि x double dot plus omega naught square x is equal to zero. ठीक है, जहाँ पे जो ओमेगा नॉट होता है वो होता है आपका एंगल नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट के बाई एम. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आवर नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी. नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब बिना किसी इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट में, विदाउट दीज एक्सटर्नल फोर्सेज, ये अपने एंगुलर, ये अपने कुछ फ्रीक्वेंसी से अपने मोशन को ऑसिलेट कर रहा है. ठीक है, और चूँकि वो ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो किसी से अफेक्ट नहीं हो रहा है इसलिए वो उस ऑब्जेक्ट का नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये हमने ग्राफ में भी सीखा था इसी चीज़ को. ये जो था वो मैक्सिमम इस वैल्यू तक जाएगा, मिनिमम इस वैल्यू तक जाएगा, दिस प्लस ए एंड माइनस ए, इसी के बीच में आगे पीछे ऐसे करते रहेगा. वट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट, ये आगे पीछे करने का. एंड दिस फ्रीक्वेंसी वॉज केम आउट टू बी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू के बाई एम एंड इट वॉज नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिकॉज इट इज इन द एब्सेंस ऑफ इन एक्सटर्नल फोर्सेज. ठीक है, दिस वाज कमिंग टू ओमेगा नॉट. ये ओमेगा नॉट जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1/T होता है और जो ओमेगा नॉट होता है वो होता है 2π/T, मतलब 2πf. तो ये जो ओमेगा नॉट होता है ये फ्रीक्वेंसी से 2π फैक्टर का डिफरेंस रखे हुए हैं. ठीक है, इसलिए हम लोग उसको वो नहीं कर सकते. एक और चीज़ सीखा था कि फ्रीक्वेंसी इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक एब्रप्ट चेंज दिखाता है फ्रॉम मैक्सिमम टू डायरेक्ट मिनिमम. जो शादी वगैरह में जाते हैं तो लाइट की ब्लिंकिंग होती है, जो सजावट वाली लाइट होती है उसकी भी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है. लेकिन इस केस में हम लोग ओमेगा यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. ये एक रोटेशन रेट को दिखा रहा है, ये एक कंटिन्यूस चेंज इन वैल्यू को दिखा रहा है फ्रॉम वेरी हाई टू वेरी लो. दिस इज कंटिन्यूअस चेंज, दैट इज़ वाई ये एक साइनोसोडल कर्व भी फॉलो कर रहा था. इट गोज टू मैक्सिमम देन बिकम जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम देन अगेन कम्स टू जीरो. ठीक है, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग हियर एंगुलर फ्रीक्वेंसी नॉट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, वैसे भी इसकी यूनिट जो होती है वो सेकेंड इनवर्स मतलब हर्ट्स होती है और दिस इज रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, ये डिफरेंसेस है. अब हमारे पास ये काम है कि हम ये जो है इसकी सॉल्यूशन को देखें. तो सबसे पहले मैं एक तरीका बताऊंगा जो कि एक सबसे बिगिनर्स के लिए तरीका होता है किसी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकालने का. तो उस बिगिनर्स मेथड पहले हम लोग सीखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक अच्छा मेथड सीखेंगे जिसमें हम लोग इसी चीज़ को काफ़ी शॉर्ट में निकाल सकते हैं. चलिए, सबसे पहले हमारे पास ये एक इक्वेशन है एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो. इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं, डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, टू एक्स डी एक्स बाई डी टी. क्या मल्टीप्लाई किए हम लोग, तो ये हो गया टू एक्स डी एक्स बाई डी टी इंटू डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस टू एक्स डी एक्स बाई डी टी ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर इसको सॉल्व करके देखा जाए तो ये इस तरीके का आता है, इट कम्स एज डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर और दिस टर्म इज इक्वल टू ज़ीरो. कैसे आता है तो सॉल्व करके देखिए. आपको क्या करना है, डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर का डिफरेंशियल निकालना है. इस केस में ये क्या हो जाएगा, ये टू बाहर आ जाएगा तो टू इंटू डी एक्स बाई डी टी हो गया. अब फिर ये डी एक्स बाई डी टी का, फिर ये भी डी एक्स बाई डी टी का डी एक्स बाई डी टी के रेस्पेक्ट में निकालें, फिर अब डी एक्स बाई डी टी का टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो दिस बिकम्स डी टू एक्स बाई डी टी टू. देखिए यही सेम चीज़ यहाँ पे है, ये इसको देख लो, इसको देख लेते हैं. तो डी बाई डी टी ऑफ अगर आप निकालोगे ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है आपका बाहर आ जाएगा. ये एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में टू एक्स, फिर अभी एक्स बचा, फिर एक्स का टाइम के रेस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी. दिस इज ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स टू एक्स टू डी एक्स बाई डी टी. सेम ही है, मिला के देख लीजिएगा आप. ठीक है, तो हम लोगों ने इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख लिया है. अब क्या करना है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सही आसान तरीका है. हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया था, सिंग फर्स्ट ऑर्डर में, ताकि आसान रहे हमारे यहाँ साफ सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट चाहिए थे इसके, इसको डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे एक से काम चल जाएगा. दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, देन वी विल हैव
सम कॉन्स्टेंट. वैसे दो तरीका होता है, या तो आप इसको इंटीग्रेट कर दो, नहीं तो सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि ये टर्म, अगर किसी टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, इट मींस दिस टर्म इज गोइंग टू बी ए कॉन्स्टेंट. तो ये कॉन्स्टेंट आएगा, इट मींस दिस डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर. दिस डी एक्स बाई डी टी इज वाट, दिस इज वेलोसिटी ना, तो वी कैन राइट इट एज वेलोसिटी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सॉरी नॉट जीरो, सम कॉन्स्टेंट सी. ठीक है, अब सी का वैल्यू को देखने के लिए लेट अस एज्यूम फॉर वैल्यू ऑफ सी, लेट अस एज्यूम दैट वी आर, लेट्स एज्यूम दैट वी आर एट एक्सट्रीम्स, हम लोग एक्सट्रीम पे आ गए हैं, मतलब वहाँ पे x डॉट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी जो पूरी जीरो हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाती है इस मैक्सिमम वैल्यू पे जो e था, यहाँ पे c है. तो इन दिस केस द वी विल हैव ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो इज इक्वल टू c था, ये हो जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर. तो यहाँ पे सी का वैल्यू मिल गया हम लोग को सी का वैल्यू ही चाहिए था सिर्फ, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर. तो इसको यहाँ पर रखिए, तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए और ओमेगा नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, देन वी विल हैव ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और यहाँ से अगर वी का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, देन दिस वी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज वॉट, दिस इज वी, दिस वी इज वॉट डी एक्स बाई डी टी. हम लोग को x के लिए सॉल्व करना है. ठीक है, तो अब अगर x के लिए इसको सॉल्व करना है, देन वी कैन राइट इट एज दिस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, हम लोग एक्स निकालना है यहाँ पे, वी कैन राइट इट एज ओमेगा डी टी, इसको उधर ले आइए, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, नो सॉरी, प्लस माइनस डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम लोग एक्स का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल सिंपली इंटीग्रेट दिस. हम लोग अब इसको नेक्स्ट स्टेप में सिंपली वी विल इंटीग्रेट इट, और इंटीग्रेट करने के बाद हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, इंटीग्रेट विथ जीरो टू टी विथ जीरो टू एक्स. ठीक है, या फिर अभी विल नॉट डिफिनिट नहीं करते हैं, इनडिफिनिट ही करते हैं. तो हम लोग को मालूम है यहाँ पे कि आपके पास दो फार्मूला हुआ करता है. ठीक है, फर्स्ट वन इज अगर आप इंटीग्रेट करोगे डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ वैल्यू आता है. फिर यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे माइनस डी एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कुछ वैल्यू आता है. ये आपका वैल्यू आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये जो वैल्यू आता है दिस इज कॉस इनवर्स दिस एक्स एंड ए. ठीक है, तो मतलब इस आप इसको आप इंटीग्रेट करोगे, आगे बढ़ाओगे, देन इट विल बी कमिंग एज, ये तो ओमेगा टी हो जाएगा. अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ओमेगा टी कैसे लिखते हैं. ठीक है, इस ओमेगा टी और इधर आ जाएगा आपका ओमेगा टी ए प्लस, ये इनडिफिनिट है, तो अभी आप ऐड सम कॉन्स्टेंट फाई. ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा यू विल हैव टू वैल्यूज, दी फॉर प्लस यू विल हैव साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एंड फॉर माइनस यू विल हैव कॉस इनवर्स एक्स बाई ए. ठीक है, तो फिर यहाँ से अगर x बाई ए निकालोगे दैट विल बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ से x बाई इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और फिर यहाँ से क्या निकला x बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और यहाँ से x बाई ए निकला कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए को उधर भेज दो, देयरफॉर यू विल हैव x इज इक्वल टू, यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दूसरा वैल्यू आएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. दिस आर द टू वैल्यूज फॉर दिस एक्स. ठीक है,
तो चूंकि एक सेकेंड ऑर्डर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन था, इसका मतलब कि इसके दोनों के दोनों सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, आप इसको इसके ओरिजिनल इसमें आप रख के देख सकते हैं। टेबल रख के मैं देखूंगा, आपको दिखाऊंगा, वो वैल्यू सेम आएगा। तो अगर ये भी इसका सॉल्यूशन है, ये भी इसका सॉल्यूशन है, मतलब दोनों का सम भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग फाइनल कर सकते हैं, देयरफॉर एक्स ऑफ टाइम टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ टी। तो ये हम लोगों ने काफ़ी लंबा मेथड देखा, काफ़ी लंबे मतलब कई मशक्क़त का होता है, मशक्क़त नहीं था लेकिन तब भी थोड़ा दिमाग वगैरह लगाना पर हम लोग को थोड़ा, जिसके वजह से ये हमारा सॉल्यूशन निकला, खासकर जो हम लोगों ने 2x dx by dt मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। लेकिन चूँकि अब आप हायर स्टडीज़ में जा रहे हैं, इसलिए इट वुड बी बेटर कि आप नए तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखें। ठीक है, वो नए तरीके डिस्कस करने से पहले हम लोग को ये वैल्यू यहाँ पुट करना चाहिए, पुट करके देखना चाहिए। ठीक है, तो हम पहले एक ही वैल्यू उठाते हैं यहाँ पे, एंड दैट वैल्यू इज़ ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैं उसी को उठा के देखता हूँ। ठीक है, तो अगर ये ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव उठाता हूँ, ये एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऑफकोर्स दिस एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देन एक्स डॉट क्या हो जाएगा, दिस इज ए ओमेगा, साइन का हो जाता है कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड एक्स डबल डॉट क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉस का माइनस साइन, तो माइनस पहले आ गया ए ओमेगा उठ गया, इधर आ गया ओमेगा स्क्वायर कॉस सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन से शुरुआत का साइन आ गया। ठीक है, ये दिस इज ऑल्सो ए वेलोसिटी, दिस इज योर एक्सेलरेशन, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है। अब इसको उसमें डाल के देखिए, एक्स डबल डॉट की जगह डालिए ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आप इसको लिख सकते हैं ना, दिस इज इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड दिस साइन ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज नॉट अदर दैन एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आप वैल्यू रख के देख लो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको रखना है पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा नॉट, सॉरी ओमेगा नॉट होगा वो, सॉरी हर जगह ओमेगा नॉट होगा, आप पीछे सही कर लेना क्योंकि हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी का ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स यहाँ पे आपने रखा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स पहले से है ही। ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो, इट मीन्स दिस इज ए सॉल्यूशन फॉर आवर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा छोड़ना है, इसको ऐसे ही बड़ा छोड़ दीजिए, फिर एक्स की जगह फिर ये रखिए, फाइनली वो कट नहीं वाला, अब इसको शॉर्ट में करके काटो या बड़ा करके काटो, नो मैटर। ठीक है, तो इसलिए दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन बिकॉज इट सेटिस्फाइज, वैसे कॉस को भी रखोगे तो वैसे ये भी सेटिस्फाई कर लेगा, कॉस वाले वैल्यू सेटिस्फाई कर लेगा। तो सिंस दोनों सॉल्यूशन दोनों ये जो एक्स फंक्शन आया, दिस इज ए सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मींस कि हम दोनों को ऐड करके भी जो एक्सप्रेशन बनाएंगे वो भी इसका एक सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही बोलता है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर दो सॉल्यूशन है, देन अगर उसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो आपको दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे तो वो भी उसका एक सॉल्यूशन ही होगा। अब हम लोग क्या देखने वाले थे, हाँ हम लोग देखने वाले थे कुछ नए तरीके जिसके हेल्प से हम लोग काफ़ी ईजिली इसको सॉल्व कर लें, इसके सॉल्यूशन के पास पहुँचे, क्योंकि हम लोग ये मेथड जो है सिर्फ एक ही टाइप के सॉल्यूशन के पास पहुँचाता है, वो साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन के पास पहुँचाता है, लेकिन हमारे पास और भी तरीके हैं, हम लोग दूसरे टाइप के सॉल्यूशन के पास पहुंचेंगे, वो कैसे पहुंचेंगे वो भी कुछ देर में देखते हैं। अगर इसमें कहीं समझने में दिक्कत है देन लीव योर कमेंट्स इन दी कमेंट सेक्शन। तो हम लोगों ने ऐसा सॉल्यूशन को देख लिया अभी तक, जो सॉल्यूशन जो था वो काफ़ी लेंदी तरीके से निकल रहा था, वो डेट वॉज ओनली फॉर बिगिनर्स। वैन यू विल परस्यू हायर स्टडीज देन मैं सजेस्ट करूँगा यू सम हैव यू हैव सम स्टार्ट स्मार्टर वेज टू डिपिक्ट टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। And the most easiest way for that differential equation is by guessing. सुनने में थोड़ा लगता है ये guess करना है क्या होता है, लेकिन guess करेंगे हम लोग। We will guess a function. For example, अपना ही equation ले लो, that is x double dot plus omega naught square x is equal to zero. Let our function, let the solution of this differential equation at a function of time xt is some function psi. ठीक है, इसका मतलब ये होगा, ये सो गेस करने का तरीका सबसे अच्छा ये, पहली बात ये सॉल्यूशन है तो इसको तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, एक्स डबल डॉट इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा,
तो ये बेसिस क्या होना चाहिए इस ऐसे सॉल्यूशन को गेस करने का? तब सबसे जो बेसिस होता है वो क्या होता है कि अगर इसका हम खुद दो बार डिफरेंशिएशन करें, इट मींस कि अगर हम लोग एक्स डबल डॉट यहाँ से निकालें तो ये वापस से यही फंक्शन साई आ जाएगा विथ सम कॉन्स्टेंट लैम्बडा. ठीक है, लैम्बडा कैन बी एनीथिंग. तो विथ सम कॉन्स्टेंट लैम्बडा, लैम्बडा के साथ ही आ जाएगा. तो पक्की बात है कि दिस, अगर ये ऐसा होता है कि अगर उसका दूसरा डिफरेंशिएशन वापस वही फंक्शन रिपीट होता है विद सम कांस्टेंट, देन पक्की बात है कि दिस एक्स विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. और हमारा नॉलेज, अगर आप कुछ दिमाग लगा के देखोगे कि पहला कुछ ऐसा सोचो जो कि रिपीट होता है उसका डबल डिफरेंशिएशन, देन यू विल हैव साइन थीटा, क्योंकि उसका पहला डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा और दूसरा क्या होता है माइनस साइन थीटा. इट मीन्स कि वही फंक्शन फिर से आ गया विद अ कॉन्स्टेंट माइनस वन. वैसे आप कॉस थीटा को देखोगे तो यह आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन थीटा, और फिर इसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन पे कॉस हो जाता है कॉस थीटा. मतलब ये कॉस थीटा वापस से यहाँ पे कॉस थीटा आ गया विथ ए माइनस वन, विच इज एक्टिंग एज ए कॉन्स्टेंट हियर. ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, ये जो कॉस थीटा है, दिस थीटा यहाँ पे भी जो थीटा है, दिस थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी. क्यों भाई? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाई टी. ठीक है, यहाँ पे ओमेगा क्या होता है, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. और इस ओमेगा टी को फेज भी बोलते हैं, वो मैं आगे अगले वीडियो में समझा दूंगा फेज क्या होता है कैसे वगैरह ऑल एंड ऑल. ठीक है, अगर हम लोग इसको ऐसा देखें फॉर सम टाइम पीरियड टी, जो कि पूरे एक ऑसिलेशन को बता रहा है फॉर कंप्लीट रोटेशन, देन दिस थीटा इज रिटन एज टू पाई बाई टी. ठीक है, तो ये आपका एक ऑरिलेशन मिल गया, इसी को आप लिख सकते हैं टू पाई सम फ्रीक्वेंसी एफ. ठीक है, दिस इज रेडियन पर सेकेंड दिस ओमेगा. चलिए हम लोग पहला गेस करते हैं अपना, जो कि किस पे बेस्ड है, जो कि बेस्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन पे. तो आवर फर्स्ट गेस, दैट इज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन, इसको हम लोग गेस करते हैं. तो चलिए, तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है x डबल डॉट प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू जीरो, इसका हम लोगों ने एक सॉल्यूशन गेस किया, x t इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट a साइन ओमेगा नॉट, क्योंकि ओमेगा नॉट है t. ठीक है, वैसे ही और x t इज इक्वल टू सम अनदर कॉन्स्टेंट b कॉस ओमेगा नॉट t. तो चूंकि ये एक सेकेंड ऑर्डर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर क्योंकि ये दो बार डिफरेंशिएशन किया हुआ है, होमोजेनस बिकॉज देर इज नो एनी फंक्शन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, दैट्स व्हाई इट इज होमोजेनस. तो ये होमोजेनियस और एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट मींस दैट इसका अगर दो सॉल्यूशन है तो अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है, फॉर जनरल सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, वी विल ऐड दीज टू सॉल्यूशंस. तो दिस एक्स टी कैन, मान लीजिए एक्स वन टी है, दिस एक्स टू टी है, देन दिस एक्स टी कैन बी रिटर्न एज एक्स वन टी प्लस एक्स टू टी. और ये वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, दिस एक्स टी विल कम एज ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस बी कॉस ओमेगा नॉट टी. इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाई. ये फाई कैसे आ रहा है अभी बताता हूँ मैं कुछ देर में. फिर यहाँ पे बी कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस कोई वैल्यू डेल्टा या फाई कुछ भी आप लिखो. तो अब ये पता करना है कि ये सॉल्यूशन मेरा सही में निकला है या फिर हम लोग ऐसे तुक्का मारे भिड़े पड़े हैं कि दो बार डिफरेंशिएशन करो तो सही हो जाएगा. तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू का भी सब पुट करके देखेंगे. तो यहाँ से आप क्या करो, एक्स वन डॉट निकालो. तो एक्स वन डॉट कितना हो जाएगा, ए ओमेगा नॉट, साइन का होता है कॉस ओमेगा नॉट टी. चलिए, फिर यहाँ से आप एक्स वन डबल डॉट निकालो, वी विल हैव माइनस फॉर कॉस का माइनस साइन, ए ओमेगा नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा नॉट टी. दिस साइन ओमेगा नॉट टी विथ ए, साइन ओमेगा नॉट टी विथ ए इज एक्स वन टी. इसलिए आप, आपके पास बचेगा क्या, एक्स वन डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर विथ एक्स. अब इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करें, यहाँ पे पुट करेंगे, दिस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे, देन यू विल हैव एक्स डबल डॉट के जगह पे यू विल हैव, एक मिनट लेट मी अरेंज दिस वायर. तो आपको x डबल डॉट की जगह पे आपको मिल जाएगा माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x. ये वैल्यू मैंने डाल दिया, फिर वापस इस वैल्यू का यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x. इस वैल्यू को जोड़ोगे, दिस इज कमिंग टू बी एज जीरो, और यहाँ पे भी जीरो आ रहा है. इट मीन्स दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ आवर सेकेंड ऑर्डर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर SHM. तो इतनी बड़ी जो हम लोगों ने गुत्थम गुत्थी की थी इस चीज़ को पाने के लिए, काफ़ी ईजिली चार लाइन में सॉल्व हो गया.
So this guessing method is really working for ourselves. तो एक पहला गेस था जो कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन मिल गया. अभी दो गेस और करेंगे जिससे हम लोग को दो अलग अलग सॉल्यूशन और मिलेंगे. वो दोनों गेस का बेसिस वही होगा, एक वैसा फंक्शन चूज करना जिसका दूसरा डिफरेंशिएशन भी वापस वही फंक्शन आता है विद सम अनदर विद सम कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंडीशंस. ठीक है, आपका इनिशियल कंडीशन क्या रहा है, आपने ये जो वायर लिया था, वायर बंद गया फिलहाल यहाँ पे, ये जो वायर लिया था ये वायर का, यहाँ से आपने एक्स एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो आपका x क्या है और x डॉट क्या है, वही उसी से आपको यहाँ से आराम से इस वैल्यू का आपको मालूम चल जाएगा. फिर आपको जब x पता चल जाएगा तो आप निकाल सकते हो x डॉट मालूम चल जाएगा, फिर आप उससे भी उस कॉन्स्टेंट्स को आप आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं. तो ये हुआ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशन. द सेकेंड गेस है डेट इज आवर पावर सीरीज सॉल्यूशन. पावर सीरीज क्या होता है पहले उसको देखेंगे, उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन को देखते हैं.